देखें जी, ये हमारा हो गया है ऑयल रेडी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को डालिए इसमें और ये हो गया ब्राउन। ब्राउन होना स्टार्ट होगा। अभी डाली है थोड़ी देर तक, जब तक ये होता है तो मैं आपको आगे आगे बताती जाती हूँ। ये लहसुन हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है। अब हम साथ ही अपने टमाटर भी काट लेते हैं, ठीक है। ये देखिए फटाफट हो जाएगा। अभी प्याज हो रहा है और ये मैं टमाटर लेके आई हूँ। इनको बारीक बारीक काटते हैं ताकि फिर जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो, हमारी साथ कटिंग का काम जो है वो ख़त्म हुआ हो। फिर हमने थोड़े से चने भी पीसने हैं। ये चने ये थोड़े से हम बीच में पीस के रखेंगे और आलू भी थोड़े से पीस के रखेंगे। आज हम आलू चने बना रहे हैं और सही टेस्टी से माशाल्लाह से अल्लाह के करम से होंगे, आप लोगों को पसंद आएंगे। जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जो बेल आइकॉन है उसकी घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को पहुंचती रहे, हमारे साथ आपका अटैचमेंट रहे। ब्राउन होना शुरू हो गया हमारा प्याज, फैला देंगे ताकि पूरे घी में अच्छी तरह से साइडों से उतार लेंगे, ब्राउन हो जाए, प्यारा सा कलर आ जाए। और ये देखिए ये मैंने टमाटर काटा है बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं। ये देखिए मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन डालने के बाद ये कुछ इस तरह है। अब ये टमाटर और ये चने, पहले हम इसमें चने थोड़े से डालेंगे ताकि वो, और हमने चनों को पीसना भी है। जो चने पीसने एक मुट्ठी भर के इसके अंदर ये, और बाकी चने इसके अंदर। मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा किया था क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा चाट का मज़ा भी आज देना है, तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये माशाल्लाह ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गया। इसके अंदर ये जाओगे मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी बहुत होती है। और इसके अंदर ये मिर्ची पाउडर, ये थोड़ी सी और डाल देते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ये नमक गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। दाना ये भी हम अब इसके अंदर ही ऐड करेंगे और इसकी खुशबू इतने मज़े की होती है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये हमारे हो गए। अब हमने इनमें डालने हैं टमाटर, मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने टमाटर डाले इसके अंदर। अब ये टमाटर भी जब तक गलेंगे, ये आगे जी चने, चनों को पीस देते हैं। फिर इसके अंदर आलू कितने ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें अच्छे से इनको पीस लेना है। आलू और चने ये अब हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से हो जाए। ये हम इसको अच्छी तरह से हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि ये गाढ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये देखें इसके अंदर मिक्स हो गया और अब घी नज़र ही नहीं आ रहा। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये बस मिक्स करके देखते हैं। थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि ग्रेवी अच्छी सी प्यारी सी बन जाए।
अब हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए, फिर इसको बंद कर देंगे। हमारे चने माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह हमारी हांडी हो गई है। और हम इसको उतार के फिर इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। इसी के साथ ही हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। दुआ में याद रखिए।